संसद, सुप्रीम कोर्ट, ये सिस्टम संस्थाएं आखिर क्यों हैं? ताकि लोकतंत्र में देश की जनता अपना प्रतिनिधि चुने, वो प्रतिनिधि लोगों की बात रखे, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिले। लेकिन ये सारा सिस्टम कानून तब बेमानी लगने लगता है जब संसद के एक सदस्य पर रेप के आरोप लगते हैं और महिला सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा लेती है। मैं कोई फिल्मी कहानी आपको नहीं सुना रही, एक और मौत हुई है। पीड़ित महिला ने मऊ के घोसी से सांसद अतुल राय पर रेप के आरोप लगाए थे। आग लगाने से पहले अपने अंतिम वीडियो में कह रही थी कि पुलिस मुझे सुन नहीं रही, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आप सोचिए, 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लड़का लड़की फेसबुक लाइव करते हैं। कुछ ही दूर खड़ी दिल्ली पुलिस सोचती है कि आम लड़का लड़की होंगे, वीडियो बनाकर लौट जाएंगे। लेकिन पुलिस इससे पहले कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, लड़के और लड़की ने वीडियो बनाते हुए ही तेल छिड़क कर आग लगा ली। आखिर वीडियो में वो दोनों कहते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन पर दबाव है। गंभीर अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दरमियान 21 अगस्त को लड़की के दोस्त की और 24 अगस्त को पीड़ित लड़की की मौत हो गई। मामले को विस्तार से समझिए। बलिया की रहने वाली पीड़ित लड़की वाराणसी के यूपी कॉलेज की छात्रा रह चुकी थी। लड़की ने मई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अतुल राय के खिलाफ बनारस में रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। लड़की का आरोप था कि सांसद अतुल राय ने 7 मार्च 2018 को उसे वाराणसी के लंका स्थित अपने फ्लैट में अपनी पत्नी से मिलाने के लिए बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। घोसी से सांसद बनने पर अतुल राय ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। अब वो प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। युवती और उसके साथी के खिलाफ उल्टा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी के लिए 2 अगस्त को वारंट जारी हुआ था। इसके बाद युवती ने अपने साथी के साथ फेसबुक लाइव कर वाराणसी के तत्कालीन SSP अमित पाठक समेत कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और आत्महत्या करने की बात कही। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बनाते समय दोनों ने आरोप लगाया था कि सांसद अतुल राय के इशारे पर वाराणसी के पूर्व SSP अमित पाठक, पूर्व ADG अमिताभ ठाकुर समेत कुछ जज भी उनके पीछे पड़े हैं। दोनों का आरोप था कि सभी की मिलीभगत से दोनों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। दोनों का ये भी आरोप था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और अदालत के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उन्हें मदद नहीं मिल पाई। पीड़ित के दोस्त ने कहा कि हम लोगों के पास भी अगर राजनीतिक आश्रय होता तो शायद हमें इस कदर परेशान ना होना पड़ता। मौत के बाद युवती के दादा का एक बयान भी सामने आ रहा है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि जेल में बंद अतुल राय अपने रसूख की वजह से परिवार पर लगातार दबाव बना रहा है। वो कहते हैं, मेरी बच्ची तो चली गई लेकिन इंसाफ की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। देश और दुनिया के तमाम जानकारियों और खबरों के पीछे की खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत का डिजिटल पेज।